Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dear prep class students, welcome to the science class, and I hope you all are fine. Dear students, in the previous class we have learnt about sound and the different ways to produce the sound. Today we are going to discuss more about the sound. Aur aaj ki class mein hum loudness of sound par baat karenge ki jo sound hai wo उसकी जो लाउडनेस है वो किस तरह से आपको बहुत ज़्यादा ऊंची सुनाई देती है और कब बहुत ज़्यादा फेंटर यानी बहुत ही उसकी कम आवाज़ सुनाई देती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हैव यू एवर नोटिस दैट द साउंड ऑफ हैवी रेनफॉल इज़ लाउडर व्हेन यू आर ऑन द रोड. आप रोड पे जा रहे हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो आपको उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, बहुत लाउडर सुनाई देती है. बट when you are in the room, the sound of that heavy rainfall becomes fainter. वही आवाज़ जब आप रूम के अंदर से सुनते हैं तो वो इतनी लाउडर नहीं होती, कम उसकी आवाज़ होती है. सो इसकी क्या रीज़न है, why it happens? इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. सो एक्टिविटी इज़ इन योर बुक. फर्स्ट ओपन द बुक, देन वी विल डू दैट एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द लाउडनेस ऑफ साउंड. So I have opened the book, page number 88. We have activity 9 here. First I'm going to read the statement. One student produced sound by striking a ruler and the other student listened the sound at different distances from the table and feel that there is loud sound near the table and faint sound far from the table. एक तो इसके लिए आपको एक स्केल की ज़रूरत है. आप आयरन स्केल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप स्केल यूज़ कर सकते हैं. रूलर आपने लेना है और उसको फिर आपने हमने वाइब्रेट करना है. पहले आप वाइब्रेट करेंगे और दूसरा जो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, अपने घर के अंदर अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ कर सकते हैं कि वो स्केल को वाइब्रेट करें और आप पहले करीब से सुनें और फिर दूर से एक डिस्टेंस, एक ज़्यादा फासले पर खड़े होकर सुने, तो आपको दोनों आवाज़ों में डिफरेंस महसूस होगा. लेट्स डू दिस. और इस तरह आपने स्केल जिसे इसे हमने पहले भी परफॉर्म किया था, आपने पहले करीब खड़े होकर सुनना है तो आपको आवाज़ होगी वो लाउडर सुनाई देगी. उसके बाद आप डिस्टेंस पे खड़े होकर स्केल की वही मूवमेंट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो आपको आवाज़, अगर आप फासले पर खड़े होंगे तो आवाज़ बहुत ही फेंटर यानी बहुत ही ज़्यादा कम सुनाई देगी. एक्चुअली लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर. अब क्या है कि जो लाउडनेस होती है साउंड की, ये डिपेंड करती है डिस्टेंस पर. सुनने वाले का फासला जो है आवाज़ से, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने फासले पर है. लाउडनेस इंक्रीजेज इफ़ डिस्टेंस डिक्रीजेज. इट मीन्स कि अगर डिस्टेंस यानी फासला कम होगा साउंड से तो लाउडनेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी आवाज़ बहुत ही लाउड और ऊंची सुनाई देगी. हेयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन दिस. Sound is louder at a shorter distance and fainter at a longer distance from the source of sound. जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, आवाज़ पैदा हो रही है, उससे अगर फासला डिस्टेंस शॉर्टर है, कम डिस्टेंस है, तो साउंड होगी लाउडर, बहुत ऊंची. और अगर साउंड जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है उससे आपका फासला, आपका डिस्टेंस है लॉन्गर, ज़्यादा आप दूर खड़े हैं, तो आवाज होगी फेंटर, आवाज कम होगी, लाउड नहीं होगी. नाउ टर्न द पेज एंड कम टू पेज 89. अनदर एक्टिविटी वी हैव, ये बिल्कुल इसी तरह से एक्टिविटी है जिसमें आपने साउंड की लाउडनेस और उसका फेंटर होने के बारे में आइडेंटिफाई करना है. एक्टिविटी 10. लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द लाउडनेस ऑफ साउंड फॉर द लिसनर. फेंटर, लाउडर, इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है. अच्छा, लुक एट द वेरी फर्स्ट पिक्चर. इसमें एक आपको एम्बुलेंस नज़र आ रही है जो कि अभी मूव कर रही है, मूव करती हुई वो इस शख्स की तरफ आ रही है, यानी कि इसके करीब होती जा रही है, डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा. सो आपने बताना है यहाँ पर जो आवाज़ होगी इसकी वो लाउडर होगी या फेंटर होगी.
very good, louder. Why? Because distance aisa aisa kam ho raha hai aur awaaz usko aisa aisa louder hoti chali jayegi. So we will write louder here. Now look at the second picture. This ambulance is going away from this man. Ab wo dur ja rahi hai. Distance aista aista badhta ja raha hai. To yahan par awaaz kaisi hogi? Louder hogi ya fainter? Very good. Fainter. Because ab distance badh raha hai. So louder, fainter. Let's write them. So aap is tarah se louder aur fainter likh lenge. Now come to the next activity on this page. Isi page par ek aur activity hai, activity 11. This one. Activity 11. Isme bhi aapko picture se hi identify karna hai. Look at this picture carefully. In this picture there is a car aur police car hai aur saath mein four yahan par listeners hain. Four persons hain jo ki awaaz ko sun rahe hain. A B C D. और इन पिक्चर्स में से अब हम यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनको देखेंगे. लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड मार्क ऑन द करेक्ट ऑप्शन. हम क्या करेंगे, एक तो पिक्चर पे देखेंगे और जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं हम उसे मार्क कर लेंगे, यानी राइट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, हु विल हेयर लाउडर साउंड ऑफ द पुलिस कार. सबसे ज़्यादा ऊँची आवाज़ इनमें से किसको आ रही है इस वक्त पिक्चर में देखने के बाद? आपको क्या अंदाज़ा हो रहा है कि राइट नाउ किस लिसनर को ज़्यादा लाउडर साउंड सुनाई दे रही है? ए बी सी डी. ए बी सी डी विच वन? यस बी. गुड, क्योंकि बहुत ही क्लोज है कार बी के. सो इस टाइम पर जो लिसनर बी है उसको सबसे ज़्यादा लाउडर साउंड सुनाई देगी. So it means B option is correct. Okay, now the second question, who will hear fainter sound of the police car? इनमें से किसको जो है आवाज़ बहुत ज़्यादा कम सुनाई देगी? A B C D. So yes, D is the right answer. D सबसे ज़्यादा distance पर है, बहुत ही long distance है D का इस car से. So it means सबसे fainter sound इस D को सुनाई देगी. So D option is correct. Let's circle it. So this was our topic of today. I hope आज का lesson आपको समझ भी आया और आपने अपना work भी कर लिया होगा. Now we are going to write the diary of today. Let's write the diary now. Students, this is your diary. Learn question number 6, part number 1, 2 and 5. अब तक हम तीन क्वेश्चंस इस चैप्टर के अपनी नोटबुक पे कर चुके हैं, वो आपने बहुत अच्छे से लर्न करनी है. इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.